नमस्कार स्वागत बा श्रोता मित्र मई कार्यक्रम प्रस्तुता संगम के तरफ से। श्रोता मित्र जिंदगी एक दौर में सुख दुख मिलन बिछोड़ जरूर हुई। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में एक तो कहानी बन जाए। आज में मैं अपने उगनक महाज में एक तो कहानी प्रस्तुत कर जाए। श्रोता मित्र अपने उग्र ये कार्यक्रम यूट्यूब चैनल फुलरिया म्यूजिक भेट में से अपन चाहल समय में सुन सीखी। ओ थारू गीती कथा कार्यक्रम फुलरिया में मन के बात रेडियो सुदूर संसार 106.5 मेगाहर्ज बसे। ओ ऑनलाइन मा www.radiosudursansar.com.np मार्फत हरेक मंगलवार और शुक्रवार रात 9:15 अपने उग्रह संसार भर एक संग सुन सीपी। श्रोता मित्र ई कार्यक्रम का प्रायोजक हुई जय माँ पूर्णागिरी शॉपिंग सेंटर ओ जय भूमिका शॉपिंग सेंटर। श्रोता मित्र उग्र यदि अपने उग्र IBRTCB कल से जय भूमिका शॉपिंग सेंटर ओ जय माँ पूर्णागिरी शॉपिंग सेंटर मना अपन खाचल जसिन लुगा कपड़ा जुटा चप्पल ठान के कपड़ा अपने उग्र रोज रोज कना ले सकती। मैगर श्रोता मित्र आज कार्यक्रम का पर्दा में उघार सकनो यदि आज कथा कहानी ओ पात्र होकनक नाउ अपने होकनक व्यक्तिगत जीवन में मेल खाई पुगी कलसे केवल संयोग मात्र समझते भी। आज भी मैं अपने उगनक मन में उगुस मुगुस हुई मन के बात लेकर आशा कर बाटो। श्रोता मित्र अपने उगन में ई दिल से ई मन से ध्यार धन्यवाद देना चाहटो कि आजसम अपने उगनक माया प्रेम से ये कार्यक्रम यहाँसम पुगल बा अपने उग्र सुन्दी थी माया मान के सुन्दी थी वकलाकमय दिलवा भर भर के धन्यवाद देना चाहटो। हाँ श्रोता मित्र आज भी मैं एक ठो कहानी लेकर आयल बाटो सुशील चौधरी के कहानी। हाँ श्रोता मित्र उग्र सुशील जी अपन कहानी ऐसी को शुरू करता। 10 वर्ष पाच अनजान नंबर से फोन आइट। हाँ संगम जी मैं वो फोन उठाइठू तर आवाज कुछ नहीं आइट। ऊ मैं हेलो 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 कई का कति रठू कुछ जवाब नहीं होने कारण से मैं फोन काट देठ उठहर देठ। एक कचिक पास फिर दूसरा वो नंबर से फोन आइट हेरथू उठेठू बोलठू फिर दूसरा हेलो हेलो कई का कठू तरा कुछ आवाज नहीं आइट। संगम जी अस्त का वह नंबर से फोन आई थी रहल। जब वो नंबर से फोन आए मैं कहाँ कहाँ सोच लाख मैंने सोचना बाध्य हो जाए आखिर के हुई। मैंने फोन करिया फोन कर कभी उठेल से नहीं बोलना के हुई आखिर मैं कहीं र सोच में डूब जाऊं। हाँ संगम जी फोन कर लसे फोन उठ तर कुछ आवाज नहीं ना। अस्त को चलती रहल कुछ दिन एक रात की बात हो फिर दूसरा वो नंबर से फोन आयल। करीब रात 10 बजल रहा वो रात मधुर आवाज में सरी कना शब्द आयल। वो आवाज चिन्हल चिन्हल जसिन लागल महीना। हाँ संगम जी जौन आवाज में ही बहुत गहिर से सोचना बाध्य करा दे।
आवाजमा कुछ रहस्य रह, ऊ आवाजमा कुछ ना कुछ रहस्य जरूर रह। मै बहुत गहिर से स्वास्थ्य लग्न उसरिकन शब्द काचे, ऊ आवाज चिनल चिनल जसिन लागल मोर मन बेचैन हो गेल। मै जन्ना जानु ऊ आवाज के कर हो, आखिर काहे सोरिकन शब्द काचे सोरी कहलवेन, के हुई ऊ कै का मै सोच लग्न। रात दिन वो सोच लग्न हाँ संगम से। मैं फोन लगेन वह नंबर में फोन उठल। मैं जन्ना जानू मैं प्रश्न करना के हुई तो क्यों हुई तो आखिर मैंने रात दिन तरब या तो काहे सोरी गलो कई का। मैं बहुत रिक्वेस्ट करने जन्ना कोशिश करना कहर कहर आवाज चिन्हल जसिन लाग आपना मनन के आवाज जसिन लाग ऊ मधुर नरम आवाज में कुछ ना कुछ जरूर छुपल रहा। हाँ संगम जी मैं बहुत रिक्वेस्ट कर देगी नो मैं विनती करनो प्लीज कुछ तो कहो बताओ ना क्यों तो मोर बहुत प्रयास के पास ओर से आवाज आई मैं तुहार हुए निष्ठुरी रानी जे 10 वर्ष पहले तुह छोड़ के निकल रहे उहे उहे मैं तुहार निष्ठुरी रानी। जब मैं ये आवाज सुनो मोर जीव जसाक से करल। हाँ संगम जी कहाँ कहाँ मोर मन को मैं लागल। मैं सोचे लगनु आज कहाँ से मैं कल कर लीन ईरानी कहाँ से कर लो हिन कहाँ बटिने 18 दिन सम्म 10-10 वर्ष सम्म संपर्क भीर रहें तरह आज काज कहाँ से फोन कर लीन कई का मोर मन में प्रश्न आई लागल। हाँ संगम जी रानी घरी घरी सरिकना करी सरिकना बाहेक और कुछ कह नहीं सीखी कुछ कह नहीं सीखते रानी रानी रोइने गटे। मैं केवल माफ करो सुशील प्लीज प्लीज मैं केवल माफ करो सुशील मई जान सिकल बाटो जिंदगी कहा हो एक दूसरे के साथ के कतरा जरूरत पड़त जिंदगी में। हाँ सुशील तुहारो मोर जिंदगी की कहानी बहुत फरक बा बहुत फरक। हाँ सुशील हर पल याद आई तो रुआई बहिन वो बात जो दिन भाई तुह अपन दिल से डिलीट करके और जान दिल में बैठा से कर रहा हूँ। हाँ ओ कह रहा हूँ आज से सदा के लागी हमार कहानी खत्म हमार कहानी कहीं तरह हमार जिंदगी कहानी खत्म नहीं हुई रहा तुहार अलग कहानी बनल मोर अलग कहानी। हाँ सुशील हाँ Thank you.
जोन दिन तुहार धन से जोन दिन तुहार धन से आइनो वह पल से वह दिन से मोर जिंदगी कहानी और घुमल मैं दोसर के संगे जिंदगी बीतना सोच में निकल गिर रहा हूँ वहां से मोर और कहानी शुरू हो गई मैं दोसर के संग जिंदगी बिताई लग्न तारा सारा मन तुहारे ओर रहे हाँ हाँ सुशील तुहार संग करल पहला प्रेम कसी का भुलाई सिकम कसी का तुहार संग हंसलक खैलक उ दिन कसी का भुलाई सिकम मोर शरीर अंडे रहले से फैन मन तुहारे ओर रहे हर पल तुहारे ओर रह मन हर रात दिन तुहार याद में बीतत वो मासूम बच्चा की याद आइट ओकर रुआई से मोर मन पिघल जाइट जब मैं वो मासूम बच्चा की रुआई समझ अपने कोक से जन्मल अपन बच्चा के रुआई जब ऊ रुआई मोर खाना में गुंजत आंसू गिरे लागत हाँ सुन एक कसिन कहानी ई तुहारो मोर एक कसिन कहानी हो कसिन कहानी आखिर अपन हो कभी दूर अतरा दूर हाँ सुशील सुशील आज मैं अकेली बात हूँ हाँ बिल्कुल अकेली मोर सहारा क्यों नहीं हो जेकर संग जिंदगी बीतना सोचल रहो वो जिंदगी बिताना चाहल रहो आज मने मोर संग नहीं बिता इस संसार से मोर धन से सता के लाग छोड़ के गई सिकल बटा आज मैं अपन खुशी के लाग अपन मन के शांति के लाग तुह तो अपन दिल से डिलीट करे खोजल रहू ओकर संग रमना चाहनु डरा मोर कहानी फरक हो गेल हाँ सुशील मोर जिंदगी कहानी फरक हो गेल मोर कारण तुहार जिंदगी फेन बिगड़ गई तुहार सब कुछ बर्बाद हो गेल बच्चा के फेन वह हालत हमार सुंदर घर परिवार तहस नहस हो गेल हाँ सुशील तहस नहस हो गेल हमार सब खुशी छिन गेल तू फिर मोर बिछोड़ में पागल हस इहर उहर करे लगलो शायद मोर प्यार में मोर आशा में और जहन अपनाए नहीं सिकलो हाँ सुशील शायद मोरे माया में मोरे प्यार में तू जीना चाहलो दस वर्ष पास फेन उहे हाल में बटो तुहारो मोर दिन दिन के एक एक कहानी बनल बा हाँ सुशील हाँ रानी कठे सुशील दस वर्ष हो गिल बा आप टेटू मही बिसराय फेन लागल हुई बो शायद मोर माया फे मर सकल हुई हाँ सुशील तू मही भुला सकल रही बो सुशील दस वर्ष से तुहिन सरी करना चाहो तर मई कसी को भूल हो गई का आठ नहीं आए ई मन तर पर तुहन से बोलक लाग मन मन तुहन से बात करो ई मन से बोलना चाहो तरा बोलना हिम्मत नहीं पड़े जब तुहार पहला आवाज सुनो मोर मन में कौर कौर खुशी लागल तुहार वो आवाज बरसों पाछे तुहार आवाज सुने पैलो तर मोर बोलना हिम्मत नहीं पड़ल हाँ सुशील हाँ आज मोर मन के चाहना पूरा होइल बा
आशा कर तू तुम्हें माफ कर बोकना। आई लव यू सुशील, आई लव यू कना। रानी के आवाज के संग सांस रुकल हस, आवाज सुन पड़ल हस संगम जी, उल्टी करल आवाज आइट। ओ अचानक, ओ अचानक फोन कर जाइट। हाँ संगम जी, मैं तरफ ढड़क के रोए लगठू। आखिर कहा हुईलू हिन रानी के, कहा हुईलू हिन, कुछ करे नहीं सीखना, ना अपन ठिकाना दिली, ना अपन बैठना देरा के ठिकाना दिली। हाँ संगम जी, मोर मन छटपटाई लागल, क्षमा के एक शब्द फेन रानी है कहे नहीं पैनो। पिंजरा में थुनल पंछी अस कोठा में योर ओर करे लगनो, रात भर निन्नी परल केवल वह रानी है समझती रहनो। हाँ संगम जी, हाँ और दिन बिहान के पत्रिका में छप गेल रानी के फोटो सहित के, रानी सुसाइड कर ले ली कहीं का। जब रानी के फोटो देखनू मैं छाती पीट पीट के रोए लगनू, मोर छाती चीर हंस करल। हंस संगम जी, मैं चिल्लैलू, रानी के उस शब्द मोर काने में गुंजे लागल, हमार ये कसिन कहानी। हाँ सुशील, तुहारो मोर ये कसिन कहानी हो कना, उस शब्द गुंजती रहत आज सम गुंजती रहत। हाँ संगम जी, हाँ श्रोता मित्र ओकरा आज अपने ओकरा सुन ली सुशील के कहानी, जीवन कहानी, ये प्रेम कहानी। श्रोता कबिला आज के कहानी कैसे लागल, अपन सलाह सुझाव अपन मन के बात फेसबुक में जाकर यूट्यूब में जाकर जरूर कमेंट कर भी। अपने उग्री कहानी फुलरिया म्यूजिक भेट यूट्यूब चैनल में से सुनती रही, वो अपने उगनक अपने रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूर संसार में से हरेक मंगलवार राति 9:15 से 10 बजेसम, वो शुक्रवार यह समय में अपने उग्र सुन सकते। श्रोता कबिला उग्र अपने उगनक टेपी अस्त कहानी बाकल से अपने उग्र पठाई सकती। पठेना ठेगाना हो phulrabhet@gmail.com। अपने उग्र जीमेल में पठेबी कल से अवश्य भी मठे पुग्ने बा, ओ अपने उगनक कहानी मैं प्रसार करने बाटो। आ श्रोता कबिला उग्र आज कार्यक्रम को समय ओरागिल बागे का हमार प्राविधिक संग्रह जानकारी का रेडी बाट। श्रोता कबिला आज अपने उगन से फिर दूसरा बिदा लेती और अठवार वो और लघु कार्यक्रम लेकर नमई ऐने ने बाटुकना आशा देती। अपने उगन से बिदा चाहटू सुनती रवि अपने उगन मन छूना कार्यक्रम फुलरिया में मन के।